हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एडिटिंग करने वाले हैं इस फोटो की, जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही थी। मैंने सोचा इस पर एक एडिटिंग ट्यूटोरियल बनाया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बहुत यूनिक होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अपना पिकार्ट ओपन कर ले गाइस। और ये हमारा बैकग्राउंड है पिकार्ट का, पिकार्ट में बैकग्राउंड आ गया है। तो हम उसके बाद एड फोटो पे क्लिक करेगा, एक सर्कल का पीएनजी इसमें ऐड कर लेगा गाइस। सर्कल का पीएनजी किधर गया, यह है गाइस। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से और इसे ब्लेंड पे जाएगा गाइस, स्क्रीन कर देंगे। अब फिर इसे यहाँ से डन कर देंगे गाइस। ओके गाइस, अब फिर ऐड फोटो पे क्लिक करेगा गाइस और अपना मॉडल का, जो हमने मॉडल इरेज किया है उसका ले लेंगे। अपना मॉडल ले आए गाइस, मैंने गाइस पहले से मॉडल इरेज कर रखा है। इरेज करना तो आपको आता ही होगा गाइस। एक मिनट, पहले इसको हम फ्री क्रॉप में जाएगा गाइस, इसको हल्का सा क्रॉप कर लेंगे जिससे ये थोड़ा सही हो जाए। अब इसको गाइस यहाँ से थोड़ा हम बड़ा कर देंगे उसको, इस तरह लगा रहे गाइस। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ये, इस तरह से लगा लेंगे। ओके गाइस, अब हम यहाँ से डन कर देंगे। और गाइस फिर ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और हम अपना मोबाइल की पीएनजी ऐड कर लेंगे गाइस। यहाँ मोबाइल की पीएनजी, ये रे गाइस, ये हम अपना हाथ पे लगा ले गाइस इस तरह। थोड़ा हल्का सा इसे साइड से वो कर देंगे गाइस और थोड़ा सा यहाँ से इसे नीचे कर लेंगे इस तरह से लगा देंगे गाइस, जिससे कि बिल्कुल रियल लगे हमको। बिल्कुल हमने हाथ में पकड़ा है, हल्का सा इसे इस तरह से यहाँ से इसे डन कर देगा गाइस। फिर ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और हम एक मोबाइल में से सड़क निकल लेगा गाइस, इसकी पीएनजी ले लेंगे। किधर गई पीएनजी, ये गाइस। इसको हम अपने मोबाइल पे सेट कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से, इसको बड़ा कर लेंगे पहले, इसको यहाँ से थोड़ा सा घुमा लेंगे इस तरह से, बड़ा कर लेंगे गाइस इसको। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको इस तरह से, मोबाइल पे लगा लेंगे थोड़ा हल्का सा, इसको इधर साइड कर लेते हैं। ये देखे गाइस, अब इसको थोड़ा हल्का सा इरेजर टूल पे जाएंगे और हल्का हल्का इसको ऊपर से इरेज कर देगा गाइस, जिससे कि हमारा मोबाइल मतलब चमके कि हाँ भाई हमने मोबाइल पे लगा रखा है।
अब ये जैसे ज़्यादा ही रेज होगा गाइस तो ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे गाइस और हल्का हल्का इस पर मार लेंगे इस तरह से गाइस। ओके गाइस अब यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब इतना काम तो हो गया गाइस, अब हम क्या करेंगे इसे ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और एक इसका पिकार्ट का पीएनजी है गाइस, इसको हम पहले ब्लेंड पे जाएंगे गाइस, ब्लेंड पे जाएंगे गाइस इसको डार्किंग कर देंगे, इसको यहाँ लेके आ जाएगा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं हम इस तरह से। थोड़ा हल्का सा वो छोटा कर लेते हैं इसको जिससे कि हमारी ये जेब पे फिट बैठ जाए। ये गाइस मैं अपने लिए लगा रहा हूँ, मतलब आपको लगाना है तो कोई नहीं, लगाना है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से जाएंगे गाइस इसको एडजस्ट पे, एडजस्ट पे जाके इसको थोड़ा सा हल्का सा मीडियम कर देंगे, नीचे कर देंगे इसके हाईलाइट, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे थोड़ा, क्लैरिटी को बढ़ा देंगे, सिचुएशन को कर देंगे कम और हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, शेडो को देख लेते हैं शेडो कर देते हैं कम थोड़ा। ओके गाइस अब यहाँ से डन कर देते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ से डन कर देते हैं गाइस, अब इसमें हमें एक टेक्स्ट पीएनजी और जोड़ना है, तो गाइस हम यहाँ से अपना नाम लिख लेते हैं, मतलब हम लोग इसे एडिट कर रहा है तो अपना नाम, आप अपना नाम लिख लेना या कोई टेक्स्ट पीएनजी हो आपके पास तो वो लगा लेना गाइस, मैं तो फ़िलहाल अपना ही नाम लिख रहा हूँ यहाँ। ये गाइस देखो अब यहाँ से हम इसे नीचे कर देंगे और यहाँ से इसे इधर लाके गाइस ऊपर लगा देंगे। ओके गाइस अब इसका हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं गाइस, तो हम इसे इस तरह करके यहाँ से इस तरह रखेंगे गाइस जिससे कि अपने वो चमक जाए। दोबारा से कर लेते हैं गाइस, सही करके नहीं हो जाए इस तरह के। ओके गाइस अब हमारा यहाँ बैकग्राउंड लग गया गाइस एंड सर्कल पीएनजी भी लग गई, सड़क भी लग गई, मोबाइल भी लग गया। अब गाइस यहाँ का काम ख़त्म, अब अपना करते हैं इसे ड्रॉ टूल में आ जाता है गाइस और इसे सेम इमेज पे करके तीन डॉट पे करके इन पे सेम इमेज कर ले गाइस। अब इस पर कलर एडिंग करते हैं लाइट रूम बाबा में, जादू करते हैं इसमें थोड़ा बहुत, तो हम अपना लाइट रूम बाबा खोल लेते हैं गाइस। हमारा लाइट रूम बाबा किधर है, ये ले गाइस लाइट रूम बाबा हमारा टाइम ले रहा है ओपन होने में, देखेगा ये ओपन हो गए गाइस तो लाइट रूम बाबा हमारे ओपन हो गए है। और इसमें टाइम सेलेक्ट कर लेगा जिससे कि अपनी जो आपने फ़ोटो एडिट की है पिकार्ट में वो ऊपर आ जाएगी तो यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे, ये आ गए देखो गाइस। अब इसमें हम कलर करेंगे तो हल्का सा एक्सपोजर को माइनस कर देते हैं गाइस, हल्का करेंगे ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का कलर करते हैं 60% एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देते हैं, हाईलाइट करेंगे कम, हाईलाइट को बढ़ा लेते हैं, शेडो को भी बढ़ा लेते हैं
एंड वाइट को कर दे कम, ब्लैक को कर दे कम, थोड़ा कम करना है गाइस, ज़्यादा नहीं। ओके, कंट्रास्ट को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके गाइस, इतना कर लेते हैं, आप देख लो सही करके। और अब आ जाते हैं नीचे, इसका हम पहले मिक्स टूल करेंगे गाइस, इसकी हु को कर देंगे थोड़ा कम, लाल की हु को कर देंगे कम, सेचुएशन को बढ़ा लेंगे एंड लूमिना को बढ़ा लेंगे, तो इसमें फेस में गाइस चमक आ जाएगी। इसी नीचा इस कर इसे अगला चुनते हैं गाइस, तो इसमें देख लेते हैं हम, इसका हल्का सा माइनस करेंगे 11 एंड इसको हल्का सा बढ़ा लेंगे गाइस, इसको इतना कर लेगा गाइस, ठीक है। इसकी लुमिना को बढ़ाना है जिससे कि फेस में चमक आ जाएगा। अभी पीला सेलेक्ट कर लेते हैं, पीले में हम देख लेते हैं, पीले को हल्का सा माइनस करते हैं गाइस, सेचुएशन को बढ़ा लेते हैं एंड लुमिना को कर देंगे इसके थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके गाइस, अब आ जाते हैं इसमें, इसकी हु को कर लेंगे हम कम, सेचुएशन को बढ़ा देंगे एंड लूमिना को बढ़ा देंगे, इसमें हम सेचुएशन को बढ़ाएगा ये लूमिना को बढ़ाएंगे। ओके गाइस, इसकी करेंगे हम हु को कम एंड सेचुएशन को भी कम कर देते हैं, नहीं सेचुएशन को बढ़ा लेते हैं गाइस, इसमें लूमिना को बढ़ा लेते हैं, के हु को भी बढ़ाना है गाइस। ओके गाइस, इसकी हु को चेंज करके देखते हैं, थोड़ा इतना रख लेते हैं गाइस। ओके, अब यहाँ से हम कर देंगे डन, टेम्परेचर को हल्का सा करेंगे माइनस, तो इसमें हमें थोड़ा ऐसी टोन देनी है गाइस नीली सी, और टिंट को हम हल्का सा बढ़ा देंगे इतना, को हम हल्का बढ़ाएंगे, सिचुएशन को भी हल्का सा बढ़ा देंगे गाइस, इसको थोड़ा बढ़ाना है, इतना बढ़ा देंगे गाइस। अब आ जाएंगे हम नीचे वाले टूल में, इसकी क्लेरिटी को बढ़ा लेते हैं एंड विग्नेट को करते हैं हल्का कम, इतना कम कर लेते हैं गाइस, थोड़ा और ले लेते हैं। ओके गाइस, अब नीचे वाले टूल में आ जाएंगे कि शार्पनेस को इतना बढ़ा देंगे, डिटेल को बढ़ा देंगे, मेकिंग को हल्का बढ़ाएंगे एंड नॉइस कलर नेडुएशन को इतना बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट को इतना बढ़ाएंगे एंड कलर नॉइस को इतना बढ़ा देंगे। ओके गाइस, थोड़ा सा कंट्रास्ट अब गाइस, इसमें इतना काम तो हो गया, एक काम हो रहा है गाइस, ये हमारा जो मोबाइल है ना, इसके ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन में, मतलब बिल्डिंग सी, तो ये काली काली सी हो गई है, थोड़ी चमक नहीं रही, तो हम इसे यहाँ से टूल में जाएंगे, इसमें ब्रेक सेलेक्ट करेंगे गाइस। अरे गाइस, मॉडर्न वर्जन में ही आता है ये ऑप्शन, और कोई से वर्जन में नहीं आता। अगर आपको मंगता है ना कुछ चाहिए तो मेरे लिंक से डाउनलोड कर लेना, वैसे आज तो आपके पास हो गई, ज़्यादातर तो सबके पास होता है। तो गाइस, हम इसको यहाँ ब्लैक ब्रश को यहाँ इधर मारते हैं एंड इसके एक्सपोजर को बढ़ा लेते हैं, एक्सपोजर को बढ़ा लेते हैं, कंट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट को बढ़ाएंगे। अरे बढ़ जा भाई, एक्सपोजर को इतना कर लेते हैं एंड शेडो करेंगे हम, शेडो को भी बढ़ा देते हैं एंड वाइट को भी बढ़ा देते हैं, इसमें वाइट को थोड़ा कम कर लेंगे एंड ब्लैक को कम कर देंगे।
ओके गाई, तो अब देख इसमें, देखो अब इसमें मोबाइल में मतलब चमक आ गई, अब साफ दिख रही है एकदम। तो गाई हम इस पे जाके यहाँ से ओके कर देते हैं इसको। गाई अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पिक्सआर्ट में कैसी थी, एंड लाइट रूम में हमने कलर किया तो कैसी हो गई। ये देखिए गाई पिक्सआर्ट में कुछ ऐसी थी पिक्सआर्ट में, और हमने कलर किया बिफोर एंड आफ्टर, अभी ऐसी हो गई। तो गाइस अब बढ़िया लग रही है नहीं। गाइस वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और यार वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। और गाइस इन तीन डॉट पे क्लिक करें, सेव टू ड्राइव में क्लिक करें, और फुल HD में इसको सेव कर ले गाइस। और गाइस मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर मेरे को फॉलो करो, एंड वहाँ भी मैं अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ। और यार जाके थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो यार भाई को। ओके गाइस टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।